हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, मैं गौरव, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द ज्ञानी स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मंडे के लेवल के लिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे हम जो भी अपडेट डालते हैं स्टॉक और लेवल से रिलेटेड। तो चलते हैं, मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो आज जिस प्रकार से निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और कल जो रैली आई थी 22,350 के ऊपर से 22,625 की तरफ, आज इसी 625 के पास से निफ्टी निफ्टी ने हर्डल फेस किया है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ से ही हमें गिरावट देखने को मिली है। और मैंने आपको एक लेवल भी डिस्कशन किया था 22,630 का। अगर निफ्टी निफ्टी 22,630 के ऊपर टिकता है तो यहाँ से आपको फर्दर मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है 22,670 की तरफ। पर निफ्टी फिफ्टी ने गैप अप खुलने के बाद 22,625 के पास ही कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया, और यहीं से हमें फर्दर गिरावट होती हुई दिखाई दी। तो मैंने आपको लेवल बताए भी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, इसको मार्क करके रखना। और ओवरनाइट कैरी मत करना, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, जनरली लोग कैरी करना पसंद नहीं करते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो लेवल मैंने डिस्कशन किए थे और चीज़ समझाई भी थी, अगर आपने उनके अकॉर्डिंग प्ले किया होगा डेफिनेटली आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा आज, क्योंकि डाउन साइड पर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है। एक साइड बुल्स ऊपर खींचते हैं, दूसरे साइड बियर्स नीचे डाल देते हैं मार्केट को, पर मूवमेंट मिला है। और ट्रेडर्स को एक मूवमेंट की जरूरत होती है कि किसी भी साइड मार्केट जाए, बस हमें मूवमेंट मिले और उसको हम प्ले करके अपना प्रॉफिट बना सकें। तो आज डाउन साइड मूवमेंट था, कल अप साइड मूवमेंट मिला था, पर ठीक ठाक मूवमेंट दोनों साइड हुए हैं, तो आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते थे। अगर आपने ये लेवल मार्क किया होगा तो डेफिनेटली आपके लिए आज का दिन भी अच्छा बीता होगा। तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरीके का मार्केट बन सकता है। जब तक ये इलेक्शन नहीं निकल जाते हैं तो आपको कुछ इसी तरीके का मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा। एक बार ये इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद अगर ये सेम गवर्नमेंट बार रिपीट हो जाती है तो डेफिनेटली आपको फर्दर मूवमेंट जो अपसाइड आते हुए जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं कौन से लेवल मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो कल मैंने आपको 22,630 का लेवल डिस्कशन किया था और बताया था अगर निफ्टी फिफ्टी 22,630 का लेवल अपसाइड पे नहीं निकालेगा तो फर्दर गिरावट जो आपको इसी लेवल से होती हुई दिखाई देगी। तो आप देखोगे गैप अप मारने के बाद इसी लेवल के आसपास 22,620 625 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस किया है, और काफ़ी टाइम बिताने के बाद यहीं से हमें गिरावट भी दिखाई दी है। इस लेवल के पास पूरी कोशिश तो की गई है कि एक बार फिर से बुल्स को ट्रैप किया जाए। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, अपसाइड जा सकता है, पर आप देखोगे कंटिन्यूसली 22,630 और 22,620 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता रहा, और फिर 20-30 मिनट के बाद यहीं से हमें गिरावट भी होती हुई दिखाई दी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है उसके पास जब भी मार्केट आए तो आपको 20 से 30 मिनट वेट करना चाहिए, किस तरीके से कैंडल बन रही है और किस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है, तो ताकि आप इजीली अपने ट्रेड निकाल पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही आपको अपने ट्रेड मिल सकते हैं। बस आप पेशेंस रखोगे, चीज़ों समझोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे ट्रेड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल अब अपसाइड पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की जो एवरेज क्लोजिंग हमें मिली है निफ्टी निफ्टी की 22,419 की एवरेज क्लोजिंग आई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है अपसाइड पर। अगर निफ्टी फिफ्टी 22,430 के ऊपर टिकता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर टिक के कामकाज कर रहा है, तो यहाँ से आप अपसाइड प्ले कर सकते हो। और फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,470 की तरफ, पहला मूवमेंट कर सकता है, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी फिफ्टी। अगर 22,470 भी निकलता है तो फर्दर मूवमेंट इसके लिए 22,510 का होने वाला है। नेक्स्ट मूवमेंट जो है निफ्टी फिफ्टी अपसाइड पर इंट्राडे में 22,510 का कर सकता है, और उसके बाद अगर 22,510 भी निकलता है तो फिर फर्दर मूवमेंट जो है 22,550 का रहेगा, यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये इस रेंज में आके कहीं हर्डल फेस कर सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ध्यान रखना है अपसाइड पे आपको 22,430 का लेवल। अगर इस बीच में कल मंडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है और ये गैप अप ओपनिंग 22,550 के आसपास आ रही है, तो ध्यान रखना है आपको इमीडिएट कोई भी कॉल नहीं लेंगे, एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने देंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 22,550 के ऊपर ठीक ठाक क्लोजिंग दे दे तभी आपको अपसाइड प्ले करना है, अदरवाइज ये फिर डाउनफॉल दिखा सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली गैप अप पे ध्यान रख के प्ले करना रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें देखो डाउन साइड के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर नीचे की चाल चलनी है निफ्टी फिफ्टी को तो ध्यान रखना है 22,400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसकी नीचे ठीक ठाक क्लोजिंग दे दे, क्योंकि यहीं से वापस से बाउंस बैक कर रहा था, तो 22,400 के नीचे टिकता है
इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो ही आपको डाउन साइड प्ले करना है। और यहाँ से हमारा पहला टारगेट क्या होगा नीचे के लिए, 22,360 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी फिफ्टी। अगर 22,360 पे नहीं टिक पाता तो फर्दर मूवमेंट जो है इसके लिए 22,320 का रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, 22,320 इंपॉर्टेंट रहेगा, 22,300 के आसपास डेफिनेटली बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। अगर 22,320 भी निकलता है तो फिर फर्दर मूवमेंट जो इसके लिए 22,280 का रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बहुत बड़ी कोई गिरावट आ जाती है, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो ध्यान रखना है 22,200 का लेवल मार्क करके रखना, 22,220 का लेवल मार्क करके रखना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी फिफ्टी के लिए 22,220 का लेवल। अगर कोई बड़ी गिरावट आ रही है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो इस लेवल को मार्क करना है। अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है और फॉल करता है 22,400 के टिकता है तो ही आपको नीचे के लिए प्ले करना है, और यहाँ से आपको फिर नीचे के जो टारगेट आते हुए दिखाई देंगे ये आप मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन पे इमीडिएट कोई भी कॉल पुट नहीं लेनी है, एक बार सेटल होने देना है किस तरीके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करते हुए चलना है, लेवल को मार्क कर लेना ताकि आप अकॉर्डिंग टू प्ले कर सकें। और बात कर लेते हैं इसके ओए डाटा की एक बारी, निफ्टी फिफ्टी की एवरेज क्लोजिंग हमें मिली है 22,419 की, तो आपको क्या ध्यान रखना है 22,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 256,000 के आसपास कॉल लाइट हो चुकी है और 1,00,000 से ऊपर का ओआई चेंज हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अपसाइड पे 22,500 का। तो 22,510-22,520 के आसपास जा सकता है, एक बार को दिखा सकते हैं कि बुल्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा रहा है, पर बड़ी मात्रा में यहाँ पे कॉल राइट है तो इसको मार्क करके रखना है। अगर 22,500 पे कोई गैप अप ओपन हो जाता है तो इमीडिएट आपको ध्यान रखना है, कोई भी कॉल मत लेने बैठ जाना क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में कॉल राइट है तो यहाँ से फॉल कर सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 20 से 30 मिनट किस तरीके से 22,500 के ऊपर कामकाज कर रहा है, उसके बाद ही आपको फिर अपसाइड प्ले करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे 22,600 पे 234,000 के आसपास यहाँ पे भी कॉल राइट हुई है और 96,000 का ओआई चेंज हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 22,600 पे दिखेगा, यानी कि 22,620-630 के आसपास जा सकता है, पर वहाँ पे भी ट्रैपिंग की जा सकती है बुल्स की। तो ये भी ध्यान रख के रखना है आपको कि अगर 22,620-30 के पास जाता भी है तो आपको इमीडिएट कोई भी कॉल नहीं लेनी है, आपको देखना है किस तरीके से सपोर्ट बनता है। अगर 22,630 के ऊपर टिक के बैठ जाता है डेफिनेटली आपको अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये मार्क करके रखना है आपको अपसाइड पे दोनों लेवलों को। अगर कोई भी गैप अप आता है तो गैप अप को ध्यान से देखना है किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बाद ही आपको प्ले करना रहेगा। ठीक है, उसके तरफ देखोगे 22,500 पे पुट साइड देखोगे तो 1,80,000 के आसपास पुट राइट करके बैठे हुए हैं, जबकि मार्केट बहुत नीचे बंद हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे पुट राइट करने वालों ने पुट राइट कर रखी है, कोशिश कर रहे हैं कि 22,500 का सपोर्ट बनाया जाए, पर देखते हैं कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कॉल साइड भी ठीक ठाक नंबर है और पुट साइड भी ठीक ठाक नंबर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टग ऑफ वॉर बनने वाला है 22,500 का। तो ये लेवल आप मार्क करके चल सकते हैं मंडे के लिए। उसके बाद एक बिग सपोर्ट अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी के लिए तो 22,300 का बन सकता है, 1,24,000 के आसपास यहाँ पे पुट राइट करके बैठे हैं तो ठीक ठाक नंबर है, तो कोई फॉल आता भी है तो मैंने आपको बताया है 22,320 का सपोर्ट बन सकता है, 22,300 का भी सपोर्ट बन सकता है और 22,280 का भी सपोर्ट बन सकता है, तो वो रेंज एक इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कोई फॉल आता है तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक मात्रा में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे तो 22,200 पे 1,26,000 के आसपास पुट राइट करके बैठे हुए हैं, यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है निफ्टी फिफ्टी के लिए 22,200 का भी देखने को मिल जाएगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन आ जाता है या कोई बड़ा फॉल आता है तो सबसे बड़ा काम जो करेगा 22,200 का करेगा, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, तो ये लेवल भी मार्क करके रखना है आपको डाउन साइड पे, इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी फिफ्टी के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे मंडे के लिए। तो देखो बैंक निफ्टी में कल मैंने एक लेवल बताया था आपको अपसाइड पे 48,630 का, और समझाया भी था कि अगर बैंक निफ्टी 48,630 के ऊपर ठीक ठाक क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से आपको अपसाइड पे मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज फिर वापस से गिरावट आपको इसी लेवल से होती हुई दिखाई देगी। तो गैप अप खुलने के बाद 48,680 का हाई बनाने के बाद कोई भी ठीक ठाक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई है, यहाँ पे सिर्फ बुल्स को ट्रैप किया गया है, दिखाया गया है कि अपसाइड पे जा रहा है पर अपसाइड पे ठीक ठाक क्लोजिंग नहीं आई है, जिसके कारण आप देख सकते हो 48,630 के पास से कितनी सही गिरावट हुई है कि आप यहाँ से इजीली अपना ट्रेड बना सकते थे, बस आपको पेशेंसली वेट करना था कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है 48,630 के पास से।
आप चाहते तो आराम से यहाँ से अपना ट्रेड लेते और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। तो जो हम लेवल डिस्कशन करते हैं उसको आप मार्क कर लिया करो, और किस तरीके से उस लेवल पे कामकाज हो रहा है 20 से 30 मिनट वेट करने के बाद आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। आज की जो एवरेज क्लोजिंग हमें मिली है बैंक निफ्टी की 48,201 की मिली है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बैंक निफ्टी 48,250 के ऊपर निकलता है या इस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक कामकाज करें तो यहाँ से आप अपसाइड प्ले कर सकते हो। और पहला टारगेट हमारा होगा 48,350 का, यानी कि 100 पॉइंट का हम पहला मूवमेंट पकड़ेंगे, क्योंकि इस लेवल पे ही निफ्टी बैंक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 48,350 के ऊपर निकलता है या इसके ऊपर टिकता है तो फर्दर मूवमेंट 48,500 का हो सकता है, यानी कि यहाँ कहीं जाके फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आपको मार्क करके रखना है अपसाइड में 48,500 का लेवल। अगर 48,350 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है तो फर्दर मूवमेंट जो है 48,500 का होता हुआ दिखाई देगा, और 48,500 भी निकलता है तो फिर फर्दर मूवमेंट 48,600 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, 620 की 30 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको 48,600 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर किसी कारणवश कोई गैप अप आता है और ये गैप अप 48,500 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको इमीडिएट कोई भी कॉल नहीं लेनी है। अगर ये सपोर्ट बनता है और 20 से 30 मिनट इसके ऊपर कामकाज करेगा तो फिर फर्दर मूवमेंट कर सकता है, 48,650 680 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस फेस करता रहा 48,500 के पास तो फिर वापस से गिरावट दिखा सकता है। तो गैप अप पे आपको ध्यान रखना है किस तरीके से ओपन हो रहा है और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बन रहे हैं उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं डाउन साइड पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। देखो डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 48,200 के नीचे टिका रहे बैंक निफ्टी, यानी कि इस लेवल के नीचे ही कामकाज करता रहे, तो एक इंपॉर्टेंट फॉल आ सकता है 48,080 की तरफ, 48,080 की तरफ फॉल आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। यहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी संभावना बन सकती है। अगर 48,80 के नीचे भी टिकता है तो फर्दर गिरावट इसके लिए 47,950 की हो सकती है, इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान रखना है। बड़े मूवमेंट के लिए मत चले जाना, 47,950 तक की गिरावट हो सकती है, या कोई गैप डाउन आता है और ये गैप डाउन 47,950 के आसपास आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, तो इतना जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो 47,950 के आसपास भी आके बाउंस बैक कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये 47,950 के नीचे टिकता है तो यहाँ से फिर फर्दर गिरावट हो सकती है, 47,850 की तरफ मूवमेंट आ सकता है, ये आपको डाउन साइड पे ध्यान रखना है। अगर 47,850 भी खा सकता है तो फिर फर्दर गिरावट ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे सकती है, और फिर बैंक निफ्टी जो आपको 47,700 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर एक बारी इसने 47,850 निकाल दिया तो फर्दर गिरावट आपको 47,700 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ये आप मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि फिर यहीं पे सीधा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और इसी लेवल से कहीं से आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, ये आप मार्क कर सकते हो। डाउन साइड पे निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई गैप डाउन आता है तो इमीडिएट कोई भी पुट नहीं लेनी है आपको, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके ओवर डाटा की। तो देखो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग 48,200 की मिली है, तो सबसे पहले आप 48,500 पे देखोगे 2 लाख के आसपास कॉल राइट करके बैठ चुके हैं और 84,000 का ओआई चेंज हुआ है, तो इम्पोर्टेंट कॉल राइट हो चुकी है 48,500 पे। तो मैंने समझाया है ना कि अगर कोई गैप अप आता भी है तो इस लेवल के पास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है 48,500 पे कोई भी कॉल लेने मत बैठ जाना। एक बार देखना है किस तरीके से 48,500 का लेवल काम कर रहा है, उसके बाद ही आपको फर्दर प्ले करना है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड पे। उसके बाद अगर आप देखोगे पुट साइड पे 48,000 पे, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 1,95,000 के आसपास पुट राइट करके बैठ चुके हैं, तो अगर कोई गिरावट आती भी है तो 47,950 से बाउंस बैक कर सकता है, ये 48,080 के पास से भी बाउंस बैक कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ठीक ठाक मात्रा में पुट राइट है, तो इतना इजी नहीं होगा कि एकदम इसको खसका दें, तो ये चीज़ आपको मार्क करके रखनी है। मंडे के दिन अगर कोई गैप अप गैप डाउन भी आ जाता है तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसको मार्क करके आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझना है, मार्क करके रखना है लेवल, ताकि आप लाइव ट्रेडिंग के अंदर उसको ठीक तरीके से प्ले करें और अपना ट्रेड निकाल सकें।
और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सके। जब आपको लेवल ठीक तरीके से पता होगा तो आप इजीली अपने ट्रेड निकाल भी पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट करें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो उतने ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और चीज़ें सही तरीके से आपको समझा भी पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे लेवल ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।